बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी आपको हैम एंड चीजी पफ पेस्ट्री पॉकेट बनाना। यहाँ मैंने लिया है पफ पेस्ट्री शीट्स, बाहर से आप परचेस कर लें। इसके अलावा 2 eggs लिया है मैंने, 1.5 cup चेडर चीज लिए हैं, हैम 3/4 cup। यहाँ मैंने लिया है बेल पेपर्स और अनियन, अगर आपको पसंद है तो इसमें ऐड कीजिएगा, वरना आप इसे स्किप कर दीजिएगा। यहाँ मैंने लिया है रेड ग्रीन एंड येलो बेल पेपर्स और अनियन, तो मैंने टोटल लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून। इसके अलावा इस पफ पेस्ट्रीज को टेस्टी बनाने के लिए मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, अगर आपको पसंद है तो स्पाइसेस ऐड कीजिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। मैंने लिया है 1/4 teaspoon ओरिगैनो, 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1/4 teaspoon लिया है मैंने ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon लिया है मैंने क्रश चिलीज। तो चले इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो है इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो कीजिए, वरना इसे भी स्किप कर दीजिएगा। साथ ही इसके अंदर डालेंगे हैम, इसके अंदर डालेंगे एग, थोड़े से बचाएंगे, वैसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लें, इस तरह से एक पेस्ट्री लेंगे, इसके अंदर फिलिंग करेंगे। इस तरह से 4 folds लगा देंगे। पैन को ग्रीस कर लें, इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। एक और आपको दिखा देते हैं, ये देखें इस तरह रखेंगे सेंटर में, और तरह से लेंगे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से लेंगे यहाँ रखेंगे, फिर इस तरह पकड़ेंगे, फिर इस तरह करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह, इस तरह से सारे पॉकेट्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। दिखा दूं आपको, सारे पॉकेट्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर एग वॉश करेंगे, इस तरह से एग वॉश कर दें। ओवन को मैंने प्रीहीट किए हैं 350 degrees पे, और इसे बेक करेंगे हम 10 to 12 minutes। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो जरूर मुझे कमेंट्स करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ना भूलें। ये देखें, अब इसे बेक करेंगे। ओवन को पहले ही 15 मिनट्स प्री हीट कर ले 350 degrees पे मैंने, और इसे बेक करेंगे हम 10 to 12 minutes। तो चलिए इसे बेक करते हैं। बेक होकर तैयार है गोल्डन ऑरेंज क्रिस्पी। अब इसे सर्व करेंगे। हैम एंड चीज पफ पेस्ट्री पॉकेट तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।